be linear antenna array. If those are arranged in circle, those would be circular antenna array. And if those elements are arranged in a plane, in a two-dimensional plane, then it would be a planar antenna array. So if all the elements of an array are excited by a current with some sort of lag or lead to individual antenna arrays, then we can control the beam that is created by the array. First of all, if a single antenna element is excited, it would be omnidirectional, like any dipole. Dipole is not 100% omnidirectional, but we can say that is omnidirectional. एक डायपोल जो है वो 100% ओनली डायरेक्शनल नहीं होता. डायपोल एक ऐसा एंटेना सिस्टम जिसमें अगर हम करंट से एक्साइट करें तो ये साइट, जिसे यूजुअली हम ग्राउंड कर दिया करते हैं या ग्राउंड प्लेट के साथ अटैच कर देते हैं, तो ये और ये साइड दोनों मिलकर हाफ ऑफ द वेव लेंथ, अगर इनकी लेंथ हो, तो इसे एक डायपोल एंटेना कहा जाता है. तो इसका मतलब है ये तकरीबन अराउंड लैम्डा बाय 4 से लैम्डा बाय 2 तक एक साइड हो सकती है अगर इसको ग्राउंड कर दें. तो किसी भी एंटेना का, ये जस्ट एक सिंपल वायर है, और अगर करंट डेंसिटी हम देखें यहाँ पर, तो देखें यहाँ से करंट ज़्यादा गुजरेगी और आस्ता 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 करंट कम होती जाएगी टिल द एंड. और इसी तरह अगर वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो जहाँ से करंट गुजर रही है वहाँ वोल्टेज कम होता है कंडक्टर में से, फिर आस्ता आस्ता वोल्टेज, कंसंट्रेटेड वोल्टेज यहाँ साइडों पर होगा. और एक एंटेना सिस्टम काम ही इस तरह करता है कि हमारे पास टाइम वेरिंग करंट है, तो टाइम वेरिंग करंट जो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो रेडियो वेव्स यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएंगे. और रेडियो वेव्स भी उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, यानी एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके आगे प्रोपेगेशन होगी. बाकी डिटेल तो आप कभी स्टडी कर सकते हैं. तो हमारे पास एक तो जो ई फील्ड है, दूसरा हमारे पास एच फील्ड है, इसी तरह हमारे पास जो थर्ड डायमेंशन में, मसलन इस वक्त अगर मैं बोर्ड पर ई फील्ड और एच फील्ड ले लूँ, दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हैं, तो जो लाइन ऑफ एक्शन होगा इनका, तो वो बेसिकली आउट ऑफ द बोर्ड होगा या इनसाइड द बोर्ड होगा. तो आउट ऑफ द बोर्ड या इनसाइड द बोर्ड, फिर हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट इनका आएगा. तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसे पॉइंटिंग वेक्टर कहा जाता है. बाकी तो जो माइक्रोवेव थ्योरी है वो डिटेल आप माइक्रोवेव में स्टडी करेंगे. पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो पावर कंटेंट है, एनर्जी जो है, तो वो हमें दे रहा है. तो अगर एक इंस्टेंट पर हम
पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू देखेंगे दैट वुड बी द पावर। मगर अगर हम एक टाइम वाइज पूरी वेव जितनी टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो वेव है, तो अगर पूरी वेव की हम पावर को इंटीग्रेट कर लें तो वो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि पावर मल्टीप्लाइड बाय द टाइम वुड बी द एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उसी तरह सर्किट बन रहा है। दूसरे एंड पर जब हमारे पास रिसीविंग एंटेना होगा तो वो वही सर्किट है, और फिर रिसीविंग एंटेना से दोबारा ग्राउंड में, तो एक सर्किट कंप्लीट होता है टोटल। जी जी क्वेश्चन जो सॉरी ठीक है, मैं तो असल में बोर्ड पर जस्ट मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि हम एंटेनास की बातें करें और एंटेना का बेसिक कॉन्सेप्ट ना हो, वरना इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी, एडवांस क्लास है। तो अब ये तो एक सिंगल एंटेना जिसे हम एज्यूम कर सकते हैं ओमनी डायरेक्शनल है। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब क्या है? ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है इफ इन ऑल डायरेक्शंस इन द एजीम्यूथ, देन इट वुड बी ओमनी डायरेक्शनल एंटेना। हमारे पास दो फील्ड्स हैं, एक ई फील्ड है एक एच फील्ड है। एच फील्ड और ई फील्ड दोनों चूंकि थ्री डायमेंशनल है, तो अगर थ्री डायमेंशनल हैं तो इसका मतलब है कि इसे थीटा के अलोंग या फाई के अलोंग प्लॉट किया जा सकता है। तो अगर हम इसका पावर पैटर्न प्लॉट करें और वो सिर्फ एजीम्यूथ पावर पैटर्न हो तो वैसे तो थ्री डायमेंशनल होगा, यानी ऊपर की डायमेंशन में भी हमें वैल्यू देगा। अगर ऊपर की डायमेंशन में हमें वैल्यू देता है, जैसे ये जो एंगल आता है तो ये बेसिकली वर्टिकल में, तो ये फिर उसका एच फील्ड हो जाएगा अगर हम ई फील्ड को इसी प्लेन पर ड्रॉ करते हैं, तो जो बाहर की तरफ होगा वो हमारे पास वो एच फील्ड होगा। यानी एक अगर टायर हम देख लेते हैं तो टायर असल में एक ओमनी डायरेक्शनल एंटेना समझ लें कि टायर की जो हाइट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हमें उसकी प्रोपेगेशन दे रही है, सॉरी इसे साइलेंट पर रखना भूल गया, और 360 डिग्रीज में वो प्रोपेगेशन टायर की जो वैल्यूज़ है, तो टायर का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो मैक्सिमम पावर को शो कर रहा है कि उस डायरेक्शन में हमारे पास मैक्सिमम पावर मिल रही है। इसी तरह अगर उसी टायर को हम ऊपर से देखें तो हमें ऐसा नज़र आएगा, और अगर हम साइडों से देखें तो हमें यूं नज़र आता है। इसी तरह ये 360 डिग्रीज में, तो ऊपर से जब देखें तो वो एजीम्यूथ में पावर की डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। तो एक ओमनी डायरेक्शनल एंटेना अगर एजीम्यूथ में इक्वल पावर्स तमाम साइड्स पर वो ट्रांसमिट कर रहा है, ये वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायपोल हमारे पास जो हाफ डायपोल है तो उसकी भी जो पावर पैटर्न है वो बेसिकली यूं है। डिग्रीज इक्वल नहीं है, मगर हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक ओमनी डायरेक्शनल एंटेना एग्जिस्ट करता है, और अगर एक ओमनी डायरेक्शनल एंटेना एग्जिस्ट करता है, जैसे पहले भी हमने एक दफ़ा डिस्कस किया था, तो फिर एक जो आइसोट्रॉपिक रेडिएटर है वो एग्जिस्ट करता है, तो उसके साथ फिर हम अपनी जितनी भी यानी प्रोपेगेशन की मेजरमेंट्स हैं या एंटेनास की गेन वैल्यूज़ हैं तो उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं। जस्ट फॉर रेफरेंस हम एक आइडियल एंटेना ले लेते हैं जो तमाम डायरेक्शंस में इक्वली ट्रांसमिट कर रहा है। अगर एक ओमनी डायरेक्शनल एंटेना वो तो ट्रांसमिट कर रहा है ओमनी डायरेक्शन में,
मगर जब अगर उसके साथ हम एक और एंटेना लगा दें और दोनों को हम फीडिंग दे दें फ्रॉम द सेम सोर्स, दोनों को हमने फीडिंग दे दी, अब ये उस तरह काम नहीं करेंगे एक ओमनी डायरेक्शनल एंटेना की तरफ, बल्कि अब एंटेना के एलिमेंट्स के दरमियान कोरिलेशन पैदा हो जाएगी। अगर इन में फासला वो इन द मल्टीपल्स ऑफ वेवलेंथ्स है, मसलन कई वेवलेंथ अगर फासला है, फिर तो वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे क्योंकि उनके दरमियान कोरिलेशन नहीं होगी। मगर अगर वो विद इन द वेवलेंथ है, यानी वेवलेंथ की कुछ फ्रैक्शंस फासला है, मसलन हाफ ऑफ द वेवलेंथ या वन वेवलेंथ या लैम्डा बाय 3 या इसी तरह की कोई वैल्यू है, लैम्डा बाय 4 है, फिर इसका मतलब है कि उनमें कोरिलेशन ज़्यादा होगी, और जितना करीब होगी होंगे एंटेना उतनी कोरिलेशन उनमें ज़्यादा होगी। तो अगर उनमें कोरिलेशन होगी तो कभी आपने गौर किया है, ये एक आम सी मिसाल मैं दे रहा हूँ और ताकि आपको एंटेना का ये वाला जो फिनामिना है ये आपको जहन नशीन हो जाए। एक पानी का जो कतरा होता है वो पड़ा हो अकेला, वो अपने आप को तमाम साइड से इक्वल बनाता है, गोल कर देता है, मगर अगर बिल्कुल उसके साथ आप पानी का एक और कतरा रख दें और इनको इतना करीब लाएं कि इनमें कोरिलेशन हो, तो जैसे ही इन ये आपस में मिलते हैं तो ये कोशिश करते हैं अपने आप को एक कतरा बनाने की, हालांकि ये साइड्स तो यूं थी, मगर ये साइड्स इस तरफ को चली जाती हैं और एक कतरा बनाने की कोशिश करते हैं, कोरिलेशन है। वो विस्कोसिटी की वजह से है, उसका एक अलग फिनोमिना है, मगर वही कोरिलेशन रेडिएशन में भी पाई जाती है, उसी तरह की विस्कोसिटी नहीं है, इसका फिनोमिना और है, ये पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है, ये हाइजेंस प्रिंसिपल है। हाइजन प्रिंसिपल के हमारे पास जब प्रोपेगेशन होती है किसी वेव की, तो वेवलेट्स, एक वेव आगे बढ़ने के लिए वेवलेट्स बना लेती है, उन वेवलेट्स को फिर आगे फिर मज़ीद जोड़ के तो वेव आगे चलती जाती है। मगर अगर किसी साइड पर कोई फिज़िकल चीज़ आ जाती है, जैसे ये कोई फिज़िकल ऐसे नोकदार चीज़ आ गई है, तो इस तरफ वाली ये वाली वेवलेट तो बन नहीं सकी, जिसकी वजह से वेव का झुकाव फिर इस तरफ हो जाता है या इसके साथ साथ चलना शुरू कर देती है, इसको डायफ्रेक्शन कहते हैं। ये फिनोमिना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हाइजन प्रिंसिपल जो FSC से ही पढ़ाया जाता है, बल्कि मैट्रिक में भी मौजूद है, तो ये वेव नेचर को शो करता है। इसी तरह कुछ फिनोमिना है जो रोशनी का वो पार्टिकल नेचर को शो करते हैं, तो वही हमारे पास, चूँकि रोशनी भी लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दूसरी वेव्स में भी गिनते हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। रोशनी की तो वेवलेंथ बहुत कम है, एंगस्ट्रम्स में है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी वो टेराहर्ट्ज़ में है। अब इसी तरह हमारे पास सिग्नल्स की आपस में कोरिलेशन हो जाती है, तो जब इनकी कोरिलेशन हो जाएगी तो ये अब अपना ओमनी डायरेक्शनल नेचर को छोड़ के दोनों कोशिश करेंगे कि वो इकट्ठे ट्रांसमिशन करें। तो ट्रांसमिशन जब वो एक साइड पर करेंगे तो हम कहते हैं कि बीम जनरेट हो गई। अब अगर दो एंटेना हमने मिलाए हैं तो हो सकता है कि बीम जो है वो बीम विड्थ उसकी काफ़ी बड़ी है, एंगुलर स्प्रेड उस बीम का काफ़ी बड़ा है, मगर अगर हम जी हाँ पीछे को भी इसी तरह, अगर एंटेना, क्योंकि हर एंटेना जो है वो अगर वो पीछे को भी उसी तरह ट्रांसमिशन करता है, ठीक है, जो सामने, मगर अगर माइक्रोस्ट्रिप एंटेना है, मसलन एक स्ट्रिप अगर लगा दी जाए किसी कॉपर प्लेट पर या कोई डायलेक्ट्रिक प्लेट है, तो उस पर एक कॉपर प्लेट की स्ट्रिप लगा दी जाए तो वो माइक्रोस्ट्रिप एंटेना बन जाता है, या एक कॉपर प्लेट है उसमें होल बना दिया जाए तो वो भी एक एंटेना जैसा काम करता है उसकी साइड्स।
तो उसको फिर स्लॉट एंटेना कहते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अगर एक स्ट्रिप लगा दें, अब माइक्रोस्ट्रिप एंटेना बाय नेचर वो डायरेक्शनल एंटेना है, यानी उसका रेडिएशन इस साइड पर होगी और बिल्कुल बैक साइड पर भी वो वैसी रेडिएशन करेगा, क्योंकि बैक साइड पर तो उसके डायलैक्ट्रिक है, डायलैक्ट्रिक से तो वेव्स गुजर जाएंगी, तो उस तरफ भी उस बैक साइड की रेडिएशंस जो होती हैं तो उनको बाज़ुकात रोकने के लिए उस डायलैक्ट्रिक के बैक साइड पर कोई एक शील्ड लगा दी जाती है, जो कॉपर या मेटल की शील्ड होती है, और उसे ग्राउंड कर दिया जाता है ताकि उसकी तमाम रेडिएशन अब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, तो वो जस्ट अब्जॉर्ब करने के लिए। या फिर आजकल कुछ और मटेरियल आ गए हैं जिस पर काफ़ी आजकल रिसर्च भी हो रही है, कायरल मटेरियल उसे कहते हैं, तो वो कायरल मटेरियल बैक साइड की रेडिएशन को कम कर देता है। हाँ, वहाँ पर तो अभी नल, ये तो हम आगे स्टडी करेंगे इसको, इसको तो डिटेल में हमने स्टडी करना है कि बीम बनती कैसे है, ठीक है ना, कैसे बीम बनेगी। मगर हम अभी अगर अब मज़ीद एंटेनाज अगर हम लगा दें, मज़ीद एंटेनाज लगा दें, जितने ज़्यादा एंटेनाज लगा दें उतनी ये बीम शार्प होती जाएगी, क्योंकि अब कोरिलेशन बढ़ती जा रही है, ये बीम शार्प होती जाएगी। मगर ऐसा नहीं है कि बाकी कुछ भी नहीं है, असल में बाकी जितने हम एंटेनास बढ़ाते जाएंगे तो कुछ पॉइंट्स उनमें आते जाएंगे जहां पर रेडिएशन नहीं है, मगर दो जो पॉइंट हैं जिनमें रेडिएशन नहीं होती उनके दरमियान में कुछ ना कुछ रेडिएशन होती है, उन पॉइंट्स को हम जो जहाँ पर रेडिएशन होती हैं, मसलन जैसे यहाँ पर रेडिएशन हो रही हैं, यहाँ पर रेडिएशन हो रही हैं, यहाँ पर, मगर इन पॉइंट्स पर नहीं हो रही, इन पॉइंट्स को नल पॉइंट्स कहा जाता है। और जो कम रेडिएशंस हो रही हैं तो इन पॉइंट्स को ये साइड लोब्स कहा जाता है या माइनर लोब्स कहा जाता है, और जो मेन रेडिएशन है इसे मेजर लोब कहा जाता है। मेजर लोब असल में उसकी पावर को बढ़ाना ये हमारा मकसद होता है, और माइनर लोब्स या साइड लोब्स की पावर को सुप्रेस करना, कम करना, तो ये दूसरा हमारा मकसद है। तो उसकी पावर को बढ़ाएंगे तो उसकी पावर सुप्रेस होगी, तो द सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ द मेजर लोब एंड द रेशियो बिटवीन द सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ द मेजर लोब टू द सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ द माइनर लोब, दैट रेशियो शुड बी इंक्रीज्ड, जितनी ज़्यादा हम इंक्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे सिग्नल टू नॉइज रेशियो होती है, तो ये समझ लें सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो है। क्योंकि ये अगर हम जैसे हमने स्टडी किया था स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सिस्टम, तो SDMA, तो SDMA में हम यूज़र ऑफ इंटरेस्ट को तो मेजर लोब पर लेंगे, मगर जो हमारे दूसरे यूज़र्स होंगे हमारी कोशिश होगी उनकी तरफ नल पॉइंट हो, क्योंकि उनकी तरफ अगर माइनर लोब भी होता है तो कुछ ना कुछ पावर उनको मिल रही है, कम पावर मिल रही है मगर मिल रही है, तो माइनर लोब को सुप्रेस करना तो वो ओवरऑल सिस्टम का इंटरफेरेंस को कम करने के बराबर है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जो टीवी का जो एरियल है तो वो काफ़ी सारे एंटेना एलिमेंट से बना होता है, वो एंटेना एलिमेंट आपस में कनेक्टेड नहीं है, वो उस तरह के एंटेना एलिमेंट जो कनेक्टेड ना हो, जिनको हम एक्साइट ना करें, बल्कि उसमें से हम एक्साइटेशन जो ले रहे हैं वो सिर्फ एक एंटेना एलिमेंट से ले रहे हैं, तो जिसे यू कहा जाता है आम लैंग्वेज में, वो बेसिकली डाइपोल है, तो वहाँ से हम एंटेना यानी जो उस रेडिएशन ले रहे हैं, तो ऐसा जो सिस्टम है और उसमें जो एंटेना एलिमेंट्स लगे होते हैं वो पैरासिटिक एंटेना एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ये यागी उदा एक यानी साइंटिस्ट के नाम पर है, जिसने जैपनीज साइंटिस्ट था जिसने ये एंटेना बनाया था फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यागी उदा, तो वो पैरासिटिक एंटेना एलिमेंट भी
इसी तरह एंटेना एलिमेंट्स का किरदार अदा कर रहे हैं। जो एंटेना का पैटर्न किसी ट्रांसमीटर के लिए बनता है, वही पैटर्न उसका रिसीविंग के लिए भी बनता है, क्योंकि हर एंटेना दुनिया का वो अगर एक ट्रांसमीटर हो सकता है तो वो एक रिसीवर भी वैसा ही हो सकता है। और इसको लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं, तो यानी रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल है ये। तो इसमें यानी कोई भी एक ट्रांसमिटिंग एंटेना हम रिसीविंग एंटेना के तौर पर भी यूटिलाइज करते हैं, और एक अगर ट्रांसीवर है तो एक सिंगल एंटेना दोनों काम दे देता है, हमें उसको जस्ट यानी एनेबल और डिसेबल करना होता है कि अब इसका फिनाम यानी इसका जो फंक्शन है वो ट्रांसमिटिंग है या रिसीविंग है, जैसे हमारे मोबाइल का सिस्टम है। GSM में तो काफ़ी ईजी इसलिए है क्योंकि रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर है। तो यागी उदा एंटेना वो एंटेना एरे है, और वो इसी तरह की एंटेना एरे है, मगर आजकल जो एंटेना एरे ज़्यादा यूज़ हो रही हैं वो बेसिकली पैचेस की हैं। जैसे ये एक प्लेनर एंटेना एरे है, तो प्लेनर एंटेना एरे में जैसे हम बीम के विड्थ को सामने की तरफ हम किसी भी एक लीनियर एंटेना एरे में एजीम्यूथली हम बीम बनाते हैं, तो अगर एक प्लेन होगा तो वर्टिकली भी हम फिर बीम बना सकते हैं एक प्लेन में। अब अगर इन एलिमेंट्स को हम सेम एक्साइटेशन नहीं देते बल्कि इनको अपनी मर्जी से कुछ एक्साइटेशन में कुछ फेज डिले क्रिएट कर लेते हैं, मसलन एक्साइटेशन तो हम एक ही दे रहे हैं, एक ही पावर की दे रहे हैं आई, मगर यहाँ जो आई आ रही है उसका फेज़ ज़ीरो है, यहाँ जो करंट आ रही है उसका फेज़ 30 डिग्री है, यहाँ जो करंट आ रही है उसका फेज़ 60 डिग्री है, यहाँ जो करंट आ रही है उसका फेज़ 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि हमने 30 डिग्री का फेज शिफ्ट हर एक को दिया हुआ है। अगर हम फेज शिफ्ट कोई क्रिएट कर लेते हैं तो उसके साथ हम इस बीम को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके एंगल को। मसलन एंगल हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एरे, यानी एरे को अगर हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं तो वहाँ से एंगल, वैसे एरे से 90 डिग्री एंगल पर भी हम रेफरेंस ले सकते हैं, तो अगर वहाँ से ले रेफरेंस या यहाँ से ले एक ही बात है, उसको परपेंडिकुलर कहेंगे। तो बीम को हम कंट्रोल कर सकते हैं इन एजीम्यूथ डायरेक्शन जस्ट विद चेंजिंग और अल्टरिंग द फेज शिफ्ट बिटवीन द एंटेना एलिमेंट्स। इसी तरह अगर हम एक प्लेन के अंदर इनके फेज शिफ्ट को इसी तरह एडजस्ट कर लें, तो हम क्योंकि ये इस तरफ को भी एक लाइन है और इस तरफ को भी लाइन है, इसका मतलब है कि हम ना सिर्फ एजीम्यूथ में कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि हम वर्टिकल डायरेक्शन में भी उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोनों डायरेक्शंस में हम कंट्रोल कर लेते हैं बीम को। तो इसका बड़ा फायदा फिर ये होता है, अगर हम इसको हम एडेप्टिव कर दें इस सिस्टम को, कि एडेप्टिवली ये चेंज हो। एडेप्टिव का वर्ड शायद सबने ही सुना होगा जो यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो अगर हम इसे अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द मोबाइल और द चेंजिंग पोजीशन ऑफ द मोबाइल हम इस शिफ्ट को सेट कर लें, कि जैसे जैसे मोबाइल अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है हम उसकी ट्रेजेक्ट्री को कंट्रोल कर लें, और अगर ट्रेजेक्ट्री को हम कंट्रोल कर लें तो उस ट्रेजेक्ट्री के मुताबिक जो एंगल आए तो उस एंगल के मुताबिक हम फेज शिफ्ट चेंज करते जाएं साथ ही, तो ये एक एडेप्टिव सिस्टम बन जाएगा, एक इंटेलिजेंट सिस्टम बन जाएगा। मगर आप देखें कि हमें ट्रेजेक्ट्री के कंट्रोल के लिए वहाँ से कोई ना कोई सिग्नल चाहिए, तो बेसिकली हमें फीडबैक के तौर पर एंगल ऑफ डिपार्चर चाहिए, इसका एंगल ऑफ डिपार्चर या वहाँ से, या एंगल ऑफ अराइवल
जो वहाँ का हो, तो वो हमें चाहिए। यानी ये सिग्नल जब यहाँ अराइव होता है, किस एंगल से अराइव होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर वो हमें भेजता जाए, तो फिर हम बीम को हर टाइम पर उसके सामने रख सकते हैं, वो बीम उसे ट्रैक करती जाएगी, और इस तरह एक इंटेलिजेंट एंटेना सिस्टम जब बन जाता है, उसे स्मार्ट एंटेना कहा जाता है। तो स्मार्ट एंटेना फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होंगे। ये जो जितनी भी स्मार्ट एंटेना की टेक्नोलॉजी है, ये फ्यूचर के यूज़ के लिए है। अभी तक कोई ऐसा सेलुलर सिस्टम नहीं है जिसमें तमाम चीज़ें इक्विप्ड हों। 4G में एंटेनास का यूज़ किया जा रहा है। जी मल्टीपल लगा के एंगल कंट्रोल कर लिया, फेज शिफ्ट देके अब जहां रिसीव होगा वहां पे हम एंगल कैसे निकालेंगे? वहां तो नहीं, एक एंटीना है ना, कौन सा जहां पर रिसीव होगा? नहीं नहीं नहीं, वहां पर तो एक ही एंटेना है, वहां पर बिल्कुल, वहां तो एक एंटेना है। हम कहते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास मौजूद है एंगल ऑफ अराइवल का, तो ऐसे सिस्टम्स तो होते हैं, जैसे मसलन एंगल ऑफ अराइवल एस्टिमेशन के लिए जो बड़े जो सिस्टम यूज़ होते हैं, बहरहाल अब उसमें बहुत एडवांसमेंट्स भी हो चुकी हैं और इस फील्ड में भी बड़ी रिसर्च हो रही है। मसलन म्यूज़िक, MUSIC, यानी ये एब्रीविएशन है, तो एक ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ये बड़ी पुरानी है। इसके बाद एस्पिरेट एक टेक्नोलॉजी है, और अभी तो एस्पिरेट में भी बड़ी एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं। तो वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो काफ़ी सारे सिग्नल अगर रिसीव हो जाएं, तो उस उन सिग्नल्स की बेसिस पर और टाइम ऑफ अराइवल की मदद से तो डायरेक्शन फाइंड की जा सकती है, एंगल ऑफ अराइवल फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अगर दूसरा मोबाइल है फिर तो हमने कहा था कि SDMA में फिर दोनों, यानी को डिफरेंट कोई ना कोई और साथ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दी जाएगी, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए। और एक डायरेक्शन में अमूमन इतने करीब ना हो, यानी क्योंकि वेवलेंथ बहुत कम है, जैसे अगर हम जी यानी विद इन द फ्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ वो अगर करीब आ जाएं, मसलन इसमें वेवलेंथ अगर हम 900 मेगाहर्ट्ज़ ही ले लेते हैं तो 30 सेंटीमीटर वेवलेंथ है, तो अगर लैम्डा बाय 4 तक के उनमें अगर सेपरेशन हो, तो इसका मतलब है कि वो अलग अलग ही कंसीडर होंगे। और इसके लिए जो ये SDMA में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो उसमें ये जो वैल्यूज़ है, ये अल्फ़ा जो का जो वेक्टर होगा, तो अल्फ़ा वेक्टर बेसिकली थीटाज पर डिपेंड करता है, यानी इस एंटेना एलिमेंट से उसे जो एंगल सिग्नल मिला उसका एंगल क्या था, यहाँ से जो सिग्नल मिला उसका एंगल क्या था, तो इस तरह θ1, θ2, θ3 और अप टू θn जितने एंटेना एलिमेंट्स हैं, तो ये फिर एक सिग्नेचर बन जाता है उसके लिए। अगर एक मोबाइल यहाँ भी है तो उसके सिग्नेचर में कुछ ना कुछ वैल्यूज डिफरेंट होंगी, इस तरह हम कहते हैं कि सिग्नेचर्स ऑर्थोगोनल होंगे। तो ये बिल्कुल जैसे CDMA बन गया, ठीक है, तो एंगल्स ने एक सिग्नेचर उसके लिए बना लिया और उसके सिग्नेचर यूनिक होंगे स्पेस के अंदर, तो इसको स्पेशल सिग्नेचर्स कहा जाता है इस टेक्नोलॉजी को स्मार्ट एंटेनाज में। और ये टेक्नोलॉजी इन यूज़ है, मगर सेलुलर में उस तरह इन यूज़ इसलिए नहीं है क्योंकि ये बड़ा हाईली कम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है जिसकी कम्प्लेक्सिटी बड़ी हाई है। मगर फ्यूचर की जो एडवांसमेंट्स IC टेक्नोलॉजीज़ में हो रही हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स टेक्नोलॉजी में, तो उसकी वजह से ये मुकम्मल तौर पर यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ये टेक्नोलॉजी मार्केट में बड़ी चीप अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, CDMA से ज़्यादा है, इसका बहुत ज़्यादा ओवरहेड, क्योंकि म्यूज़िक या स्पिरिट बड़े हाईली कम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, हाईली कम्प्लेक्स टेक्निक्स हैं, एंगल ऑफ अराइवल उसके ज़रिए एस्टिमेट करना, फिर यहाँ पर इनकी फेज़ शिफ्टिंग की रियल टाइम में चेंज, फेज शिफ्ट को चेंज करना, तो ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम। सॉरी जी,
हाँ, तो उस सूरत में फिर अगर सिग्नेचर, स्पेशल सिग्नेचर दो के सेम आ जाते हैं तो फौरन उसको कोई और फ्रीक्वेंसी पर ले जाया जाता है। यानी SDMA को हमेशा हाइब्रिड बनाया जाता है किसी और टेक्नोलॉजी के साथ, तो फिर उनको किसी और फ्रीक्वेंसी पर चेंज कर दिया जाएगा। नहीं, एंगल सेम आ गया ना, अब तो उनको सेम फ्रीक्वेंसी पर फिर नहीं दिया जाएगा, फिर तो इन्फॉर्मेशन उनकी किसी और फ्रीक्वेंसी पर दे दी जाएगी, क्योंकि जब स्पेशल सिग्नेचर उनके अगर सेम हो गए तो जी। हाँ, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के केस में ट्रैक किया जाएगा, क्योंकि ये प्रोसीजर तो असल में मोबाइल की स्पीड से काफ़ी फास्ट होगा, क्योंकि ये तो विद इन माइक्रो सेकेंड्स में होगा और मोबाइल माइक्रो सेकेंड्स में बड़ी दूर तक नहीं जा सकता। जी जी नहीं, उसमें तो मैंने कहा है कि यानी अगर एंगल ऑफ अराइवल एस्टिमेशन की टेक्नोलॉजी वहाँ होगी तो इसलिए वो भी कम्प्लेक्स सिस्टम बनेगा। तो अभी तक सेलुलर में इसके यूज़ ना होने की बड़ी वजह यही है कि इस तरीके से, क्योंकि ये तो एक लैपटॉप में तो हो सकता है कि लैपटॉप में इतनी हाईली कम्प्लेक्स